ए सुनो बेटा, जब अपन ने कल देखा था हाँ, देखो कल का पूरा प्रेजेंट था, अब आप दूसरा लू रहे तो पास्ट है। मैंने कहा था ना कंटिन्यूस रखना पड़ेगा तो अपने आप समझ में आएंगे। अब देखिए पहला प्रेजेंट का था तो ऑब्जेक्ट का पास्ट का है, तो देखो पास्ट में से की फॉर्म क्या होती है, सेड होती है। जो से प्रेजेंट में तो सेड क्या हो जाएगा, पास्ट। तो देखो सेड का सेड और सेड टू का, यानी सेड का क्या करना है सेड और सेट टू का क्या करना है टोल्ड। अगर वाक्य में सेट आ गया अकेला सेट तो सेट का सेट होगा, और अगर सेट टू आ गया तो क्या हो जाएगा टोल्ड। आर एस मतलब क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, आर एस का मतलब क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था। तो रिपोर्टेड स्पीच तुम्हें प्रेजेंट और फ्यूचर में मिलेगी। रिपोर्टेड स्पीच कैसे मिलेगी बेटा, यानी मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच का मतलब बता रहा हूँ मैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य मिलेगा ना वो आपको कहीं में मिलेगा प्रेजेंट और फ्यूचर में। किसमें मिलेगा प्रेजेंट और फ्यूचर में, सारी हिंदी में लिखा है, किसमें मिलेगा प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है मिलेगा यानी मिलेगी। तो मैं किसमें करना है बेटा पास्ट में करना है, यार प्रेजेंट में मिले तब भी पास्ट में करना है, फ्यूचर में मिले तब भी पास्ट में करना है। यहाँ से देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको क्या लगाना है बेटा, डेट लगाना है। कल देखिए प्रोफेसर, अब देखिए कैसे चेंज करोगे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट, यानी आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट दिया जाएगा तो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट कंटिन्यूअस दिया जाएगा, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया जाएगा उसको कहीं में चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है तो उसको चेंज कहीं में करना है पास्ट परफेक्ट में। आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब फ्यूचर का कैसे, बिल आएगा तो बुड में बदलना है, सेल आएगा तो शुरू में बदलना है, बिल आएगा ना तो कहीं बदलना है शुरू में, ठीक है। कैसे बदलना है, बिल आएगा तो बुड में, और सेल आएगा तो शुरू में, उसी प्रकार कहना आएगा तो कुड में, उसी प्रकार में आएगा तो माइंड में, मस्ट आएगा तो मस्ट में ही कर सकते हो, ठीक है। मस्ट का मस्ट भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, हैड टू कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, पूरे नियम क्लियर है, उस कर दे पूरे नियम क्लियर है। अब देखिए निकटवोधी शब्दों को दूरवोधी शब्दों में बदलना, एरेशन में ये भी आता है, जिस शब्दों में अपन गड़बड़ी कर जाते हैं सबसे ज्यादा कि अपन निकटवोधी शब्दों को देख नहीं पाते। तो देखिए समझिए, निकटवोधी शब्द में दिस आएगा तो जी किस में आएगा बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में। जब आप इनडायरेक्ट करोगे डायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट करोगे तो दिस का क्या बदल जाएगा, नाव का क्या हो जाएगा, ठीक है। डीज का क्या हो जाएगा, हेयर का क्या हो जाएगा, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर, ठीक है। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। जैसे टुमारो का क्या बदलेगा, दो बदलते हैं, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, दो बदलते हैं, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे। यस्टरडे होगा, आपने देखा यस्टरडे होगा तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे या डे बिफोर, दोनों लगा सकते हो, द प्रीवियस डे या डे बिफोर। सबसे ज्यादा आपको देखो ये मिलेगा और ये ज्यादा मिलता है ज्यादातर, लेकिन ये भी आ जाता है तुम कर सकते हो। उसके बाद है हैंड्स का क्या हो जाएगा, देंस। लास्ट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, द फॉलोविंग। अब एक सीक्वेंस समझना जरा, अब देखिए अपन की वैसे मैंने आपको लिखवाया था ना कि दिस का डेट परिवर्तन होता है, और दिस का मैंने क्या बताया था, डेट में परिवर्तन होता है, दीज का दोज में परिवर्तन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिस डेट दोज टू नाइट, यानी टुडे टू नाइट हेयर देयर, ये चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते, अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ गए तो थर्ड पर्सन का काम करते हैं तो ये कभी चेंज नहीं होते। जैसे राम सेड इनवर्टेड कॉमा, राम सेड इनवर्टेड कॉमा में दिस आ गया, दिस इज माय फ्रेंड, तो क्या बनेगा, राम सेड, मैंने बोला था सेड का सेड और सेड टू का टोल्ड करना था, तो देखो राम सेड तो सेड का सेड, कॉमा हटाया तो मैंने क्या लगाया, दैट। दिस लिखा है तो दिस का मैंने जैसे का तैसा लिख दिया, ये चेंज हुआ नहीं हुआ। दिस इज है तो प्रेजेंट में है तो अपने क्या कर दिया, पास्ट। माय लिखा है तो माय राम से चेंज हुआ, राम लड़का है तो आपने देखा हुआ ही और हिज और हिम इसके ऑब्जेक्ट निकलते हैं, यानी पॉसेसिव किसका क्या हो जाएगा, हिज, हिम हिज होगा, तो माय का क्या हो जाएगा, हिज, फ्रेंड का फ्रेंड, जी आपका हो गया। अब देखिए अपन आते हैं मेन रूल पर, राधा सेड इनवर्टेड कॉमा आई एम फीलिंग हॉट टुडे,
ये तो डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया जी अपना डायरेक्ट। अब इसको अपन इनडायरेक्ट करेंगे, इसको अपन इनडायरेक्ट करेंगे तो देखो समझना, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, राधा देखो राधा सेड, सेड का शेयर मैंने बोला था, कॉमा हटाकर डैड। अब आई या आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या राधा है तो क्या बन जाएगा सी। सी के बाद अब देखो किसमें दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बनाना कहीं में पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है वाज और वर्ब। तो यहाँ पर एम है तो अपन ने क्या लगा दिया वाज, ठीक है। ये तो दिमाग लगाना, एज और एम को आपको किसमें कन्वर्ट करना, पास्ट बनाना हो तो वाज में, और अगर आर अकेला हुआ तो किसमें आ जाएगा वर्ब में, तो क्या हो जाएगा सी वाज फीलिंग हॉट टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे, क्योंकि ये निकटवर्ती शब्द है, ये दूरवर्ती शब्द पर पहुंच गया है, क्लियर है। अब देखिए आप, अब आता है मोहन सेड, मोहन सेड टू राम, ठीक है, यू हैव डन योर योर वर्क एट दिस टाइम, उसका आंसर क्या बनेगा वो देखना। मोहन सेड टू का क्या कर दिया मैंने, सेड का सेड बोला था, सेड टू का क्या बोला था टोल्ड, फिर टोल्ड राम, अब यू है तो यू किससे चेंज होगा राम से, ठीक है यू, हाँ तो देखो कॉमा हटाकर क्या लग गया दैट, अब यू है तो किससे चेंज होगा राम से, तो राम लड़का है तो क्या आया ही। कल मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन यू को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ही। अब हैव है तो देखो मैंने आपको बता देता हूँ, हैज हैव का पास्ट क्या होता है हैड, तो मैंने देखो हेड कन्वर्ट कर दिया, हेड आ गया, दोनों में थर्ड फॉर्म डन होती है, डन आ गया। अब यहाँ पर योर लिखा, जब यू को आपने ही पे परिवर्तन किया तो योर को किसमें परिवर्तन करेंगे हिज में, हिज वर्क एट दिस का क्या हो जाएगा दैट, एट दैट टाइम, ये आपका बन गया एट दैट टाइम। अब देखना जरा, जैसे अगर मानकर चलो पहचान आती है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के साथ, वर्ब के साथ अगर आपको एस और ईएस मिलता है, वर्ब के साथ अगर आपको एस और ईएस मिलता है तो आपको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर आपको डू डज मिलता है, डू डज मिलता है तो आपको डिड में कन्वर्ट करना है, अगर आपको एजेएमआर मिल जाता है तो आपको मैंने बताया था एज और एम के साथ आपको क्या लगाना है बाज, और अगर आर आता है तो किसके साथ क्या लगाना है बाज, मतलब ये हट जाएंगे, अगर हैज आता है चाहे हैव आए, हैज आए चाहे हैव आए, आपको लगाना क्या है हैड। और जैसे प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो तुम देखना, ठीक है। देखो जैसे मैंने तुम्हें समझाया था प्रेजेंट की फॉर्म में पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगी, तो देखो और सरल देख लो, राम सेड कन्वर्टेड कॉमा आई हैव ओपनड माय डोर टुडे, ठीक है। अब देखिए राम सेड दैट इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो गया, अब आपको पास क्या मिला है जो चाहे है वो आपको कन्वर्ट किसमें करना है, तो देखो हैज आपका क्या हो गया हेड हो गया, ओपनड का ओपनड लिखा है, माय डोर का क्या हो जाएगा जब आई के साथ माय लगा हुआ है तो आई को अपन ने ही में कन्वर्ट किया तो ये किसमें आ जाएगा हेज में, डोर है तो डोर है। अब टुडे का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा दैट डे, दैट्स ऑल, बस आज के लिए।